इस वीडियो में आपको इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा है उसके चौथे दिन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। पूरा हाईलाइट आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो मैच जो है 1 बजे तक चालू नहीं हुआ था, 1 बजे के बाद ही चालू हुआ। तो जो BCCI ने बताया कि दोपहर 1:50 पर मैच शुरू होगा, वही ESPN क्रिक इन्फो के अनुसार टी ब्रेक दोपहर 3:30 होगा। बारिश की वजह से 99 मिनट बर्बाद हुए हैं, जो कि करीबन 24 ओवर के खेल बर्बाद हो चुका है। तो फाइनली जाकर जो मैच है वो 2:15 के करीब करीब यहाँ पर चालू हुआ है। और रविंद्र के पहले ओवर में पंत ने लॉन्ग ऑन पर ऊपर से छक्का लगाकर भारत के 350 रन पूरे किए। पंत 59 रन के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं। 73वें ओवर की आखिरी गेंद पर पंत ने 1 रन लेकर न्यूजीलैंड की लीड को बराबर कर दी है। अब भारत की नजरें मेहमानों पर बड़ी लीड हासिल करने पर होगी। 74वां ओवर लेकर आए रचिंद्र रविंद्र की दूसरी गेंद पर रिवर्स शॉट लगाकर ऋषभ पंत ने भारत को लीड दिलाई। पंत अब आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे, वही 70 गेंदों 70 रन के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने 80 ओवर में 400 रन पूरे कर लिए हैं। ऋषभ पंत 87 और सरफराज 146 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने 7वें टेस्ट के करीब पहुंच गए हैं। पंत ने 93 गेंद में 89 रन बना लिए हैं। सरफराज खान ने 194 बॉल में 150 रन पूरे कर लिए हैं। सरफराज अपनी पारी में 18 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। सरफराज खान 195 गेंद में 150 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। सरफराज ने पंत के साथ मिलकर 4th विकेट के लिए 211 बॉल में 177 रन की पार्टनरशिप की। ऋषभ पंत शतक लगाने से सिर्फ 1 रन चूक गए। विलियम ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। पंत ने 105 बॉल में 99 रन बनाए हैं। भारत ने 4th दिन दूसरे सेशन में 3 विकेट खोकर 94 रन बनाए। इस सेशन में सरफराज पंत और राहुल ने अपना विकेट गंवाया। स्टार ऑलराउंड रविंद्र जडेजा सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। भारत ने 7वां विकेट गंवा दिया है। विलियम ने उन्हें आउट किया। अश्विन और कुलदीप से भारतीय टीम एक अच्छी पारी की उम्मीद कर रही होगी। भारत ने 97 रन की बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि टीम ज्यादा से ज्यादा बढ़त बनाना चाहेगी और इसके लिए इन दोनों बल्लेबाजों का टिके रहना जरूरी है। भारत ने दूसरी पारी में 100 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने 7 विकेट खोकर 458 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने सरफराज खान के, पंत, कोहली और रोहित के अर्धशतक की बदौलत दूसरी पारी में 462 रन बनाए हैं। भारत ने 106 रनों की बढ़त हासिल की है। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रनों का लक्ष्य दिया है, लेकिन 4th दिन के आखिर में बारिश की वजह से खेल नहीं हो सका। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 4 गेंद खेलने के बाद बारिश की वजह से मैदान से बाहर चली गई, लेकिन भारतीय टीम एम्पायर से बातचीत करते नजर आई। तो इस प्रकार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 3 मैच के टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जारी है। 4th दिन सरफराज खान और ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की और भारतीय टीम की मैच में वापसी कराई। सरफराज खान ने अपने टेस्ट कैरियर का पहला शतक जड़ा, वही ऋषभ पंत शतक से चूक गए। दोनों के बीच 4th विकेट के लिए 211 बॉल में 177 रन की पार्टनरशिप हुई। सरफराज 195 में 150 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऋषभ पंत 99 रन बनाकर आउट हुए। राहुल 16 गेंद में 12 रन ही बना सके। रविंद्र जडेजा 15 गेंद में 5 ही रन बना सके। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में 99.3 ओवर में 462 रन बनाए और 106 रनों की बढ़त हासिल की है। न्यूजीलैंड को पहला मैच जीतने के लिए 107 रन बनाने होंगे। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में सिर्फ 4 गेंद डाली गई, जिसके बाद बारिश के कारण मैच को रोकना पड़ा और फिर स्टंप की घोषणा। तो आज 4th दिन के बाद इंडिया का जो स्कोर है 46 और टोटल 462 और न्यूजीलैंड का स्कोर है 402, जबकि आज सिर्फ 4 गेंद खेल पाई है।